हेलो एवरीवन, नमस्ते और स्वागत है आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल विच इज इन ए नेपाली गर्ल। और आज का ये वीडियो होने वाला है मोमो स्पेशल, मोमो चैलेंज। हाँ, जहाँ हम लोग दोनों सिस्टर्स हम लोग करने वाले हैं मोमो चैलेंज। और अभी हम लोग ऐसे घूमने आए हैं, पहले मोमो चैलेंज करने से पहले थोड़ा पेट वेट खाली करके अच्छा से फिर हम लोग बनाएंगे मोमो। और मोमो बनाने के बाद आपको दिखाएंगे रेसिपी कैसे बनाते हैं, बस पता ही होगा कैसे बनाते हैं, फिर भी हम लोग जैसे बनाते हैं वो दिखा देंगे। और आई होप आप लोग को ये छोटा सा मोमो चैलेंज वाला वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अभी आप लोग थोड़ा व्यू एंजॉय कीजिए व्यू दिखा दो। गांव में आने से यही व्यू होगा, यही दिखेगा आप लोगों को, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, सब कहीं भी देखो ग्रीन। तो ये थोड़ा व्यू एंजॉय हम भी करते हैं, आप भी कीजिए और ये वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। देखो ये, देखो ये हम लोग का नुस्खा ना, नुस्खा है इससे ज्यादा ऐसे ये होता है ना, क्यों निकाला? सॉरी ये प्याज का ऊपर वाला यहाँ पे गाड़ने से ज्यादा क्या नहीं लगता है, क्या नहीं निकलता है, मिर्ची नहीं लगता है। सो ये आइडिया है हम लोग का बड़ी माँ का, ये आइडिया है हम लोग का बड़ी माँ का। आप लोग भी घर पे ट्राई करिए, ऐसा प्याज का जो टुप्पी होता है ना यहाँ पे गाड़ दीजिए तो ज़्यादा आपको आँख में आंसू नहीं निकलेगा, थोड़ा थोड़ा निकलेगा लेकिन पहले से बहुत कम निकलेगा, जाल नहीं लगेगा। हम लोग को मोमो बनाने के लिए क्या क्या चाहिए मैं दिखा देती हूँ। यूजुअली सबको पता ही होता है कैसे बनाते हैं मोमो, वो इतना टफ नहीं है, बट फिर भी विदाउट वो जो मोमो बनाने का बर्तन होता है ना, विदाउट वो बर्तन कैसे मोमो बनाते हैं। और हम लोग बनाएंगे चूल्हा में, हम लोग गैस में नहीं बनाएंगे, चूल्हा में बनाएंगे। इंडियन है जुगाड़, तो हम लोग दिखाएंगे आप लोगों को कैसे बनता है बिना वो बर्तन का। और उसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, सबका अलग अलग होता है मोमो बनाने का स्टाइल, और मेरा स्टाइल थोड़ा अलग है और बहुत ही टेस्टी होता है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। तो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को चाहिए एकदम पतला पतला से कटा हुआ वाला प्याज, फिर हम लोग को चाहिए ये सरसों का तेल 1 कप, इसको आप लोग यहाँ पे डाल के मिला दीजिए सरसों का तेल। और फिर हम लोग को चाहिए ये ब्लैक पेपर करीब 1 चम्मच, और हम लोग को चाहिए नमक, और हम लोग को चाहिए आइजिनोमोटो, इसको आप लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इतना अच्छा स्मेल आता है आप लोग, बहुत बहुत टेस्टी होता है, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और हम लोग को चाहिए ऐसा कीमा, बाजार से हम लोग ने चिकन लेके आया और ये मिक्सर में कीमा बना लिया है, इसका कीमा चिकन का कीमा। चटनी बनाने के लिए हम लोग को चाहिए ऐसा प्याज, और ये सूखी वाली मिर्ची, और टमाटर, लहसुन, और ये बादाम जिसे मूंगफली भी बोलते हैं, ये चाहिए हम लोग को। और इसको बस क्या करना है, ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई करना है, और ये ठंडे होने के बाद इसको मिक्सर में बस ग्राइंड कर लेना है, इसका बहुत ही अच्छा चटनी बनता है। नहीं आता।
बढ़िया 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 ये देसी जुगाड़, ये है हम लोग का देसी, यस इंडियन अच्छा आ रहा है ना? बोलेगा? मैं काला दिख रहा है। हेलो, अभी हम लोग का होने जाने वाला है मोमो चैलेंज, जिसमें हम लोग ने लिया है कितना मोमोस? 25 each. इसने 25, मैंने 25. और ये एकदम स्पाइसी चटनी और थोड़ा स्पाइसी कम करने के लिए कोक. और हम लोग गरीब आदमी इसलिए 50 rupees का चैलेंज. ये 50 rupees ज़्यादा नहीं है हमारे पास. अगर जो भी जीतेगा ये 100 उसका हो जाएगा, वो तो मेरा होने वाला है. ये 100 rupees और स्टार्ट करें. 1, 2, 3. इतना गर्मी है, मैंने बनाया कैसा हुआ? जल्दी खा, मुझे तो जितना है भाई 50 रुपये आज का खर्चा के वाला निकालना है. बाप रे बाप, पेट भर गया रे मेरा. बाप रे बाप, आज मजा आ गया. ये नहीं बनाए दाल नहीं लग रहा है. छोड़ दो, मैं ले लेगा, छोड़ दो, जरूरत नहीं है. इतना स्पाइसी हो गया कि और क्या यार, मुझे और मोटी हो जाएगी ऐसे हाथी जैसी हुआ और मोटी हो. तुम खाओ तुम खाओ, तुमको जरूरत है, तुम्हारे शरीर में जरूरत है.
मेरा फेस देखिए गाइस, स्पाइस इतना है कि पूरा फेस रेड हो चुका है। खाओ, पूरा खाने का मन था, खाओ, खत्म करो, 100 रुपीज नहीं चाहिए। पचास रुपए का चैलेंज हो रहा है ना, इसलिए जल्दी नहीं खा लिए, नहीं तो लास्ट टाइम वैसे खपा खपा खा दिया था। गाइस मेरे से नहीं हो रहा है, ये पैसा जीतने के चक्कर में ऐसे खाई जा रही, इसका लगभग खत्म ही हो चुका है। और मेरा देखिए, मेरे से नहीं होगा अभी, बापरे मैं जीतने वाली हूँ, मेरे से नहीं होगा, पूरा मेरा अभी कैसा हो रहा है, ज्यादा खा के छोड़ो और मुझे होता अभी। मैं हार मान चुकी हूँ गाइस, मेरा इतना रह चुका है, मेरे से नहीं होगा। और अभी निकिता का है 3 पीस, 25 पीस में से 22 पीस खा चुकी हूँ। शाबाश, बाप रे, कोई भी नहीं जीतेगा, होगा। माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड, मैं खा के भी फायदा नहीं है क्योंकि इसका 3 है, मेरा ऑलमोस्ट 10 है, खा के फायदा नहीं है। अलग मुंह है, फेस पूरा चमक रहा है। नहीं होगा, मैं जीत गई, हार गई। 3 रुपए खाओ, 3 रुपए खाओ, अभी इधर रखो, इसे भी मेरा ही होगा। लोग पूरा 50-50 100-100 मोमोस लेके कैसे चैलेंज करते हैं, बाप रे बाप, है ना। हमारे यहाँ पे 25 खाने में हलवा टाइट हो गया है, वो भी मेरा ऑलमोस्ट 10-12 तो बच ही गया है, इसको मानना पड़ेगा, पतला है ना इसलिए, अभी 2 है, 1 खा रहा है। ओह माय गॉड, जो जो मोमो चैलेंज करते 50-50 100-100 लिख के, उसको तो मान गई मैं। देखो मेरा पेट पूरा गड़बड़ हो गया, मेरा पेट अब फूटेगा, मेरा पेट भी फूटेगा, फूट गया अभी तक। ऐसा हो गया रे, एक छोरा एक छोरी चुपके चुपके से मोमो खाएगा। और तुम कैसे खा सकते हो 25 तो मोमो, बाप रे बाप, मेरा फेवरेट है ना मोमो, इसलिए कुरम कुरम मेरे को पाला। मेरा मेरा इसमें गलत से छोड़ो, गलत है ना, आइस देखो, मैं तो दिखता ही नहीं। मेरे स्माइल करने से ना आँख देखो दिखता ही नहीं है, नहीं दिखता। मेरा मोमो खा के पूरा पेट फटने वाला है अभी, कैसा फील हो रहा है जब ओवर खाने के बाद, कैसा फील होता है, वैसा फील हो रहा है पूरा। माय गॉड, एक टू लास्ट है, मान गया इसको, जो पतला होता है वो बहुत ज्यादा खा सकता है। 25 मोमो, माय गॉड, ये तो है, क्या वस्तु है तुम, हम जीत गए। चुरा लिया 50 रुपए, लास्ट टाइम भी यही जीता था, एक वीडियो बनाया था हम लोग ने, उस टाइम भी यही जीता था। इतना मोमो खा सकता है, बाप रे बाप, कैसा लग रहा है।
बहुत अच्छा जीत के 50 रुपया 50 रुपये पता था जीत के कैसा लग रहा है 50 हजार जीत के देखिए खाली और इधर में देखिए ये 50 रुपये मैं नहीं लेगा फिर हम जाइए मार कैसा होता है छप्पर का टप्पर ये खाने से ज्यादा गई हो गया साबुन हो गया ना कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए मोमोज के साथ ज्यादा पेट भर जाते हैं खत्म मेरा चलो खत्म अब लाद देगा 50 रुपये चाहिए मोमो बनाएंगे कौन खिलाया मोमो बनाएंगे कौन खिलाया 50 रुपये चाहिए तुमको हवा खाओ हवा खा के मैं पॉकेट में डाल लेगा हवा खा लो ये चीटिंग हुआ ना ये चीटिंग कैसे हुआ चीटिंग हुआ ये 100 रुपीज जाता है हमारी बहना को निकिता बहना को जिसने 25 मोमो खा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया मैं यहाँ पे 10 भी नहीं खा पाई पतला आदमी पूरा खा सकता है ये आप लोग जान लो लो ये 100 रुपीज कल मेरा भाड़ा हो जाएगा कॉलेज के लिए कॉलेज जाने का भाड़ा हो जाएगा उसका 100 रुपीज हो गया खत्म खत्म सो आज का ये मोमो चैलेंज हो जाता है खत्म और आज का विनर होती हूँ और आई होप आप लोग को ये छोटा सा मोमो चैलेंज वाला वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो क्या करना है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल कमेंट भी करना कमेंट भी करना किसका मोमो खाया वाला अच्छा लगा आपको सो बाय बाय एंड गुड नाइट